आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। इसके साथ ही बदलते मौसम में कई अन्य वायरस सक्रिय हो रहे हैं। इसमें प्रमुख है सर्दी, जुकाम एवं बुखार। ये सभी लक्षण कोरोना एवं सामान्य फ्लू के भी हो सकते हैं। आज किसी व्यक्ति को थोड़ी सी बुखार, सर्दी या खांसी हुआ नहीं, उसे यही डर सताने लगता है कहीं मैं भी कोरोना से प्रभावित तो नहीं हुआ। लेकिन चिकित्सकों के अनुसार इस तरह के सभी लक्षण कोरोना के नहीं हो सकते। लोगों के बीच इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमने बात की है डॉक्टर कैलाश नाथ गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और सेंटर फॉर चेस्ट डिजीज के डायरेक्टर हैं। सेंटर फॉर चेस्ट डिजीज के दिल्ली में दो सेंटर द्वारका एवं नजरगढ़ में है। डॉक्टर गुप्ता से बात करेंगे कि कोरोना एवं मौसमी फ्लू में क्या अंतर है। डॉक्टर साहब, आर्यावर टीवी में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। इसके साथ ही बदलते मौसम में कई आम वायरस सक्रिय हो रहे हैं। इसमें प्रमुख है सर्दी, जुकाम एवं बुखार। यह सभी लक्षण कोरोना वायरस एवं सामान्य फ्लू के कारण भी हो सकते हैं। आखिर दोनों में अंतर को कैसे पहचानेंगे, कोई कैसे पहचान पाए कि हमें कोरोना है या सामान्य फ्लू? कोरोना भी एक वायरल ही है। ये भी आमतौर पर जैसे वायरल फीवर होता है, ऐसे ही कोरोना भी वायरल फीवर की तरह से ही है। इसके लक्षण जैसे हमारे और वायरल फीवर में होते हैं, बुखार आना, खांसी होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। हाँ, कोरोना में आपको सांस फूल सकती है, जिससे कि आपको निमोनिया हो सकता है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लू के। इसमें सूखी खांसी आपको होगी और बुखार, तेज बुखार आएगा। तो आपको, चूँकि ये पूरे विश्व में इस समय एक मतलब एंडेमिक बीमारी की तरीके से, एपिडेमिक की तरह से है, तो हमें जब भी हमको दिक्कत हो तो हमें कोरोना के लिए जांच जरूर करनी चाहिए। हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि अच्छा ये नॉर्मल वायरल फीवर हो सकता है। बिकॉज आपका बच्चा, आप जिस चीज़ से, मान लो आपको कोरोना है, तो आप अपना तो बचाव करेंगे ही करेंगे। आप अपने सगे संबंधी, अपने परिवार में लोगों को और अपने समाज में लोगों को बचाव कर पाएंगे कोरोना से। इसीलिए अगर आपको बुखार है, खांसी है, सूखी खांसी है, सांस फूलने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, सांस फूल रही है, तो आप अपनी कोरोना की जांच जरूर करवाएं। चाहे ये जांच आप सरकारी अस्पताल में भी करा सकते हैं या प्राइवेट भी करा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में ये सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री हो रही है, और अपनी जाँच जरूर करवाएं। इसमें जरा भी किसी प्रकार की अपने को ढील ना दें कि कोई बात नहीं, मेरा बुखार तो ठीक हो जाएगा। ऐसे आप अंतर नहीं पहचान पाएंगे। आम मनुष्य के लिए, आम आदमी के लिए यह पहचान पाना कि इसमें अंतर क्या है, ये बड़ा डिफिकल्ट है। आपको जांच से ही आपको पता चलेगा कि आपको कोरोना है या कोरोना नहीं है। आपने उसके कारण अंतर तो बताया, तो भैया कोरोना वायरस एवं सामान्य फ्लू में से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव के बारे में तो टीवी, सोशल मीडिया पे अब इतना आ चुका है कि हम सबको मालूम है कि हमें बचाव कैसे करना है। चार पांच मुख्तर चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं जिसको कि हमें ध्यान रखना है। नंबर वन, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन के लिए हमें एक डिस्टेंस अगर रहेगा तो हम एक दूसरे को बीमारी को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। मास्क जरूर पहने, तरह तरह के मास्क अवेलेबल है, ये मास्क है आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास्क लेकर लगाएं, अच्छा मास्क लें। मास्क नहीं है तो रुमाल बांध दीजिए, बट आप ये मास्क जरूर बांध के रहें। ग्लव्स हैं, काम करते समय आप अपने ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि बाद में आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। दुकानदार भाई लोग अपनी दुकानों पर शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी शील्ड आती है, इस शील्ड को आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप संक्रमण को रोक पाएंगे। ये सब चीज़ें हैं संक्रमण को रोकने के लिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, हैंड सैनिटाइज़र तो ज़रूर रखें अपने पास। कोई भी आया, हैंड सैनिटाइज करवाइए, अपना खुद का भी हैंड सैनिटाइज करिए। इससे आप इन चार पांच चीज़ों से आप अपने को बचा पाएंगे। डॉक्टर कैलाश गुप्ता बता रहे थे कि कोई भी इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे, बुखार, सर्दी या खांसी, सूखी खांसी, गले में खराश, चाहे अन्य कोई लक्षण दिखाई देते हैं, सबसे पहले आप अस्पताल जाकर के उससे टेस्ट करवाएं।
ताकि दोनों में अंतर पता चल जाए और आप किस बीमारी से ग्रस्त है पता चल जाए।